गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मेहा एंड आई विल टीच यू ऑपरेशंस रिसर्च सो फ्रॉम टूडे आई विल टीच यू दिस सब्जेक्ट सो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन रिसर्च का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हम बेसिकली जो है ऑपरेशन रिसर्च के बेसिक्स वगैरह इंट्रोडक्श इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे ऑल राइट सो पहले हम बात करें ऑपरेशंस रिसर्च का मतलब क्या होता है ठीक है अगर हम ऑपरेशन रिसर्च की बात करें ऑपरेशंस मतलब क्या होता है इसमें से ऑपरेशंस मतलब होता है कि जैसे डे टू डे एक्टिविटीज जो बिजनेस में होती है मतलब ऑपरेशंस को अगर हम इन लेम लैंग्वेज देखें जैसे कोई भी कंपनी है ठीक है उसमें अगर हम काम करते डे टू डे जो उसका काम है उसे हम क्या कहते हैं ऑपरेशन ठीक है अब रिसर्च इसमें इस रिसर्च का मतलब क्या होता है रिसर्च मतलब क्या होता है जैसे सपोज करो जिस बिजनेस में काम चल रहा है ठीक है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है ठीक है तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा उस उस केस में हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी रिसर्च मतलब क्या है उसके आ, क्या कहते हैं उसके अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम की सो so डैट उसका जो है सोल्यूशन हम बेस्ट निकाल पाए और राइट अगर हम बात करें इसमें मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का कहता है ऑपरेशन रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेटरमाइन द बेस्ट सोल्यूशन ऑप्टिम मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिस इसका मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है एक ऐसी अप्रोच है जिसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं जैसे सपोज करो कोई कंपनी है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है ठीक है तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कोई हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसका हमने बेस्ट वे में सोल्यूशन निकालना है उसे हम क्या कहेंगे ऑपरेशन रिसर्च ऑल राइट सो इसके बाद क्या है इसके बाद इसे हम क्या क्या, क्या कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के और भी कई नेम्स हैं उनको हम क्या क्या, क्या कह सकते हैं फर्स्ट चीज़ मैनेजमेंट साइंस क्वान्टिटेटिव बिजनेस एनालिसिस डिसीजन साइंस ठीक है इसके तीन नेम हैं इसे याद कर लेना अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें डेफिनेशन क्या कहती है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड्स मतलब जो साइंटिफिक रिलेटेड टू साइंस होते मैथड्स उनको अप्लाई करना ठीक है ये कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स होगी उनको अप्लाई करना किस पे करना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम पे हमने क्यों अप्लाई करना है क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसको हमने सॉल्व करना है ठीक है प्रॉब्लम किसके रिलेटेड आई है ऑपरेशन के रिलेटेड ऑपरेशन मतलब जो हमारा बिज़नेस में काम चल रहा है उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है उसका हमने सोल्यूशन ढूंढना ऑप्टिमम सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि बेस्ट सोल्यूशन ऑप्टिमम मतलब बेस्ट जो है हमारे लिए बेस्ट कंपनी हमेशा चाहती है कि हमा, हमारी कंपनी में जो भी हो वो बेस्ट हो ऑल राइट सो कोई प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन भी तो बेस्ट होना चाहिए ऑल राइट सो इसे हम कहेंगे कि जो इस, इसको हम इन शॉर्ट अगर बताएं ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है जितना अभी तक मैंने डिस्कस किया उसको ओवरऑल अगर देखें ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम आई है उसको हमने रिसर्च करनी प्रॉब्लम को ठीक है हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है और हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन है मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज की जो है वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है रिसोर्सेज कम है बट हमें उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें उस प्रॉब्लम को आ, सॉल्व करना है लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं लिमिटेड रिसोर्स में हम कह सकते हैं जैसे कोई मनी की मनी है ठीक है हमने आ, सोचा है कि मतलब कि विद इन वन लाख रुपीज़ हमने जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी अब इसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हो गए मनी मतलब विद इन वन लाख रुपीज़ यूज़ करके हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से ये प्रॉब्लम जो है ये आर एंड डी यूज़ करके जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ठीक है लिमिटेड रिसोर्स इस केस में क्या हो गए मनी ठीक है जैसे कोई प्रॉब्लम आई है कोई कोई भी प्रॉब्लम ले लो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिटेड रिसोर्सिस को यूज़ करके हमने बेस्ट वे में इसका सोल्यूशन निकालना है इसे हम क्या कहेंगे ऑपरेशन रिसर्च नेक्स्ट है इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च स्कोप का मतलब क्या होता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मतलब होता है कि जो ऑपरेशन रिसर्च है जो ऑपरेशन रिसर्च वो किस किस जगह पे एप्लीकेबल होती है मतलब कौन कौन सी फील्ड में हम ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसमें ये बताई हुई सेवन चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मतलब पता है आपको हिंदी में खेती बाड़ी ठीक है खेती बाड़ी में जैसे कोई भी कोई भी प्रॉब्लम आए कि मतलब जैसे फ़र्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स वगैरह है कौन से डालने चाहिए किस प्लांट को कितने केमिकल्स डालने तो इसके रिलेटेड अब उनमें रिसर्च करनी तो उसके लिए क्या, क्या क्या करेंगे हम साइंटिफिक टूल्स या टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं जैसे सपोज करो कि आ, जैसे ट्रेनिंग लगती है आ, ट्रेनिंग लगी है बच्चों की ठीक है तो उसमें क्या है बच्चे सीख नहीं पा रहे अच्छे से तो फिर वो रिसर्च ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी अब हमें इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी जो ट्रेनिंग में बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है सीखने में ठीक है ताकि तो इस ये हो गया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे सपोज नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स मतलब क्या है जैसे कोई पेशेंट है उसे कोई मतलब क्या जैसे सपोज करो उसे कोई बीमारी है ठीक है हम उसे दवाइयाँ ही जा रहे दी जा रहे बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब क्या करना पड़ेगा डॉक्टर को तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है जो कि आ, हम मैड, हमारी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो क्या करेगा इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का मतलब आपको पता ही है कि जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं आर्किटेक्चर भी इसमें आ जाते हैं या मकैनिकल इंजीनियरिंग में मकैनिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड या कंप्यूटर आई के रिलेटेड ठीक है इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व करना है ये इंजीनियर्स देखते हैं और डिफेंस ऑपरेशंस में यहाँ पर बात होती है मिल्टी की ठीक है अगर मिल्ट्री के ऑपरेशंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम uh, आती है तो उसको कैसे सोल्व करना है ये मिल्ट्री देखती है नेक्स्ट इज ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जैसे ट्रैफिक पुलिस होगी ठीक है जैसे सपोज करो हमारी जो है रोड जो है वो फोर वे है ठीक है अब सपोज करो वहाँ पे जो है लाइट्स नहीं लगी हुई तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे फोर वे में ठीक है तो उस केस में क्या है उसे ट्रैफिक कंट्रोल जो पुलिस है उन्हें कैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ेगी लाइट्स लगा के रेड लाइट ग्रीन लाइट जैसे लगी होती हर हर टी पॉइंट पे या मतलब के थ्री वे रोड फोर वे रोड वहाँ पर लगी होती ठीक है तो इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट है बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट मतलब जैसे मैंने बताया कि कंपनी में जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई बिजनेस मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या है हम रिसर्च करके ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूँढ सकते हैं नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज मतलब हेल्थ सर्विसेज में भी वही आगे हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह इसमें वही सेम चीज़ जो मैंने बताई है हॉस्पिटल्स के केस में वो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये था स्कोप ऑफ of... ऑपरेशन रिसर्च ठीक है इसमें मैंने बता दिया एग्रीकल्चर एजुकेशन ट्रेनिंग हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिफेंस ऑपरेशन ट्रैफिक कंट्रोल बिजनेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज ठीक है, है? इसमें हम क्या कर सकते हैं ये ऑपरेशन रिसर्च ये ये सेंटर्स में ये ये फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च अब ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव तो मेन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि क्या है जो कंपनी uh, है जैसे कोई बिजनेस है उसे क्या करना है बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है ठीक है बेस्ट सोल्यूशन विद मिनिमम रिसोर्सिस विद लिमिटेड रिसोर्सिस हमने जो है प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है ठीक है तो ये क्या करता है ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ठीक है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कैसे हेल्प करता डिसीज़न मेकिंग में जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल के ठीक है बेस्ट वे में और किससे लिमिटेड रिसोर्सिस से, से. राइट और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो है फेसिस इन ऑपरेशन रिसर्च स्टडी फेसिस का मतलब यहाँ पे अगर आपको पेपर में फेसिस आता है या वहाँ पे लिखा आता है स्टेप्स इन स्टेप्स इन ऑपरेशन रिसर्च या हम बोल सकते हैं प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ये तीन चीज़ें लिखी आती तो फिर इन तीनों केसेस में आपने यही चीज़ लिख कर आनी है ठीक है फेसिस मतलब क्या है ऑपरेशन रिसर्च का प्रोसेस क्या है ऑपरेशन रिसर्च में किस किस कैसे कैसे स्टेप्स करके क, आ, मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती हैं ठीक है इसमें जो है बेसिकली थ्री काइंड की फेसिस होती हैं ठीक है तीन तरह की फेसिस यहाँ पे होगी फर्स्ट है जजमेंट फेस सेकेंड होगी इसमें रिसर्च फेज एंड इससे नेक्स्ट जो होगी वो होगी एक्शन फेज अब हम तीनों को टर्न बाय टर्न जो है डिस्कस करते हैं ठीक है फर्स्ट है जजमेंट फेज जजमेंट मतलब क्या है हमने देखना किसी चीज को जज करना ठीक है अपने तरीके से जज करने की कोशिश करनी अब जजमेंट फेज में भी चार पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का काम क्या है ठीक है जो कंपनी है जैसे सपोज करो कोई हम कंपनी की बात कर रहे हैं वो क्या है क्लोथ बनाती है ठीक है क्लोथ मेकिंग कंपनी है अब उसका काम क्या हुआ कपड़े बनाना ठीक है कपड़े मैन्युफैक्चर करना ठीक है नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी ने जब अपना कंपनी सेटअप की है कंपनी स्टेब्लिश की है जो उसने अपना ऑपरेशन चलाया जैसे कपड़े बनाने का तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पर्पस क्या है कंपनी क्यों खोली क्लोथ मेकिंग उसने मैन्युफैक्चरिंग क्यों करनी शुरू की है उसका मेन पर्पस ये भी हो सकता है प्रॉफिट कमाना ठीक है प्रॉफिट कमाना सेल्स इंक्रीज करना या कस्टमर को सेटिस्फाई करना ठीक है ये सारे जो हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं तो सेकंड फेज़ क्या है सेकेंड uh, क्या है पॉइंट इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कंपनी का जो मेन पर्पस है हमें पहले वो देखना है ठीक है नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ मयर हमने देख रहे कि इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है प्रॉब्लम का मतलब कि क्या क्या मयर्स है क्या क्या इफेक्टिव मयर्स हैं जो हम देख सकते हैं ठीक है हमने वो पहले डेटलमाइंड करने फिर हमने देखना प्रॉब्लम हमारी क्या है टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है जैसे क्लॉथ मेकिंग में क्या हो रहा है कि मशीनरी में प्रॉब्लम आ रही है कि जितना हमने मशीनरी से एक्सपेक्ट किया था वो इतने मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही चीज़ें ठीक है तो इस केस में हमारी प्रॉब्लम क्या है मशीनरी की हम सोच रहे कि मशीनरी हमने चेंज करनी है सपोज करो हमारी ये प्रॉब्लम निकली ठीक है अब हमने देखी टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है हमने मशीनरी देखनी है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट फेज है रिसर्च फेज़ रिसर्च फेज में क्या आएगा अब देखो हमने प्रॉब्लम देख ली कि हमारी जो है आउटपुट है मतलब जो हमारे क्लोथ प्रोडक्शन हो रही है उसमें क्या है जो क्लोथ प्रोडक्शन जो है वो जितना हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं हम उतने क्लोथ्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो इस केस में क्या है हम रिसर्च करेंगे मशीनरी है मशीनरी की प्रॉब्लम आई ना हम हमारी तो हम मशीनरी देखेंगे हमें जो मशीनरी है क्या हमें इसे ही ठीक करवाना पड़ेगा रिपेयर करवानी पड़ेगी या हमने कोई नई मशीनरी खरीदनी है या हमने कोई हैंड मशीनरी खरीद है ठीक है तो फिर इस रिगार्डिंग हम क्या करेंगे पहले डाटा कोलेक्शन करेंगे ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कोलेक्शन अब जैसे हमने ऑब्जर्व कर लिया कि आई है हमारी मतलब कि जो, जो कपड़े बना रहे हैं तो फिर उसमें क्या है मशीनरी की प्रॉब्लम आ रही जितना हम चाह रहे उतनी मशीनरी जो है कपड़े नहीं बना पा रही ठीक है तो मशीनरी की प्रॉब्लम आई है तो हमने सर्च कर लिया ये ऑब्जर्व किया मशीनरी की प्रॉब्लम आई अब डाटा कलेक्ट करेंगे डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि मशीनरी किस किस कंपनी की मशीनरी जो है अवेलेबल है कौन सी हमारे लिए सूटेबल होगी मतलब हमने ये भी देखना ना लिमिटेड रिसोर्सिस लिमिटेड रिसोर्सिस मतलब हमने इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे पैसे पैसे भी देखने के कितने पैसे लगेंगे मशीनरी को ख़रीदने में ठीक है अब मशीन मनी uh, जैसे सपोज करो हमने सोचा कि टेन फिफ्टीन uh, लाख तक हम मशीनरी ले सकते ठीक है और फिफ्टीन लाख क्या है हमारी लिमिटेड रिसोर्सिस फिफ्टीन लाख के अंदर अंदर हमें मशीनरी लेनी है हम देखेंगे डाटा क्लेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी की जो है मशीनरी अवेलेबल है नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ रेलिवेंट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है एजम्पन बनाना मतलब कोई चीज़ करने से पहले हमने एक स्टेटमेंट बनाई एजम्पन बनाई एजम्पन जैसे सपोज करो इस केस में हमने बना ली कि जैसे मशीनरी है पहले हमने कहा कि ना हमारी जो पंद्रह लाख में है वो पुरानी मशीनरी आएगी हमने ये जमशन बना ली क्योंकि पंद्रह लाख की जो है नई मशीनरी नहीं आ सकती हमें सेकंड हैंड मशीनरी लेनी पड़ेगी बट वो लेनी पड़ेगी जिससे क्या होगा हमारा हमारे जो कपड़ों की आ, कपड़ों की प्रोडक्शन है कपड़ों कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो सके ठीक है तो हमने एजम्प्शन बना ली कि हमारी पंद्रह लाख के बीच में पुरानी मशीनरी आएगी फर्स्ट एजम्प्शन हमने ये बना ली कि हमारी मतलब के सेकेंड हैंड मशीनरी आएगी और सेकेंड एजम्प्शन हमने क्या बना ली कि हमारी पंद्रह लाख में हमारी न्यू मशीनरी आएगी ठीक है अब हमने देखना कि इसमें से कौन सी एजम्प्शन ठीक है पहले हमने किया कि मतलब कि हमारी जो है सेकेंड हैंड मशीनरी आ सकती है पंद्रह लाख में और हमने सेकेंड एजम्पन क्या बनाई है कि नहीं आ सकती ठीक है सेकेंड हैंड मशीनरी इसमें नहीं आ सकती और नई मशीनरी भी आ सकती है इसमें ठीक है ये हमने क्या बना ली इसमें एजम्पन नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है अब हमने देखना मार्केट में जाके कि मतलब कि क्या हमारी जो मशीनरी है ये सेकेंड हैंड मशीनरी का रेट कितना है और जो है न्यू मशीनरी का रेट कितना है ठीक है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमने जो एजम्स पहले बनाई थी उसके रिगार्डिंग हम फिर बाद में सर्च करनी शुरू करेंगे ठीक है फिर हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब जैसे मैंने बताया एजम्पन होता है तो फिर हमने पहले क्या करना है जो हमने एजम्पन बनाई थी पहले हमने क्या एजम्पन बनाई थी? थी कि जो हमारी पुरानी मशीनरी आ सकती है सेकेंड हैंड मशीनरी हमें खरीदनी पड़ेगी पंद्रह लाख के बीच में और सेकेंड एजम्सन हमने क्या बनाई थी कि जो हमारी मशीनरी है नई मशीनरी आ सकती है पंद्रह लाख में हमने ये देखनी अब हमने देखना इन दोनों में से कौन सी जो है हमारी जो हाइपोथीसिस है जो एजम्पन है कौन सी हमारी ठीक है ठीक है तो फिर इसके बाद में जब हमने वेरीफाई किया अवेलेबल मतलब इंफॉर्मेशन कोलेक्ट की मार्केट में गए फिर मार्केट में जाके हमने प्रॉपर रिसर्च की वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने कोलेक्ट की देन उसके बाद में हमने रिजल्ट देखे रिजल्ट क्या है हमने देखा कि जो है ये सपोज करो हमारी जो फर्स्ट जम्पन है पंद्रह लाख वाली वो ठीक निकली कि पंद्रह लाख में हमारी जो है सेकेंड हैंड मशीनरी आ सकती है बट जो दूसरी है उसमें क्या है जो न्यू मशीनरी हमने सोचा था कि पंद्रह लाख में आ सकती है बट वो क्या हुआ कि जो नई मशीनरी है वो पच्चीस लाख की मिल रही है ठीक है तो इसमें क्या हुआ हमारे पास है ही पंद्रह लाख पंद्रह लाख की मनी कंस्ट्रेंट है हमारे पास ठीक है मनी कंस्ट्रेंट मतलब कि हमारे पास लिमिटेड मनी है पंद्रह लाख में ही हमें खरीदनी है बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं पच्चीस लाख की न्यू मशीनरी आएगी तो ये वाली जो है सेकेंड वाली वो तो हमारी गलत होगी ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट वाली अप्लाई करनी पड़ेगी ठीक है पहले हमने रिसर्च फेज में क्या है पहले हम मार्केट में गए ठीक है फिर हमने रिसर्च की क्या क्या मशीनरी अवेलेबल है कितने कितने के रेट है ये सारी चीज़ें हमने क्या की है रिसर्च फेज में देखी है नेक्स्ट है हमारी एक्शन फेज एक्शन फेज में क्या है एक्शन फेज में हमें क्या करना पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा एक्शन मतलब क्या है हमें मशीनरी खरीदनी पड़ेगी अब हमने सारी रिसर्च वगैरह कर ली रिसर्च वगैरह करके हमने देख लिया हमारे लिए क्या ठीक है पंद्रह लाख की जो सेकेंड हैंड मशीनरी है ठीक है वो हम खरीदेंगे हमने एक्शन क्या लिया जिस कंपनी के अवेलेबल है कोई भी कंपनी ले लो ठीक है उसकी अवेलेबल है हम क्या करेंगे पुटिंग का तो सोल्यूशन टू वर्क ठीक है हम क्या करेंगे जो मशीनरी है हम सेकेंड हैंड जो है पंद्रह लाख की खरीद लेंगे जिससे मतलब कि जो हमारी पुरानी मशीनरी है पुरानी मशीनरी में क्या था जैसे सपोज करो पुरानी मशीनरी में हज़ार कपड़े बनते थे अब ये जो है ये सेकेंड हैंड मशीनरी निकली इसमें क्या है पच्चीस सौ कपड़े बनते हैं ठीक है अब हम देखेंगे इसको हमने खरीद लिया ठीक तो है क्लोथ्स जो जो है है यूनिट्स वो बन रही है ठीक है अब हम ये सेकंड मशीनरी हमने खरीद ली ठीक है अब हम सेकंड मशीनरी जब हमने खरीद ली एक्शन हो गया एक्शन मतलब क्या हुआ हमने वो चीज परचेज करके उसको हमने अपनी जो बिजनेस है बिजनेस में वो मशीनरी इंस्टॉल करवा ली ठीक है अब हम देखेंगे एक्शन हमने ले लिया ठीक है पुटिंग द सोलूशन टू वर्क का सोल्यूशन टू वर्क मतलब अब हमने लगा ली मशीनरी अब हम उसकी मतलब क्या देखेंगे प्रोडक्शन वगैरह सच में जितनी मतलब कि हमें बोला गया था 2500 प्रोडक्शन इसकी है क्या ये 2500 प्रोड्यूस कर पा रहा है कपड़े कि नहीं 2500 जो है कपड़े वो मैन्युफैक्चर हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे ठीक है तो ये देखेंगे चीज़ें ठीक है अगर वो कर पा रहा है इसका मतलब जो हमारा सल्यूशन है वो हमारा ठीक है और हमें मतलब क्या ये क्या है हमने किया पंद्रह लाख में हमने मशीनरी खरीदी उससे क्या है हमें बेस्ट सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का इससे क्या हुआ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ठीक है तो ये सारा था आज का हमारा लेक्चर अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप डाउट्स अपने ले सकते हो आज हमने बेसिकली क्या किया ऑपरेशन रिसर्च का मीनिंग किया अगर मैं आपको इसका एक ब्रीफ व्यू दूँ ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो हम हमने प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया है उसका सोल्यूशन हमने बेस्ट वे में देखना है बेस्ट वे में कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम है उसमें ही हमें जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा नेक्स्ट हमने किया स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मतलब जो ऑपरेशन रिसर्च है किन किन फील्ड्स में एप्लीकेबल होती है जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ हॉस्पिटल्स ट्रैफिक कंट्रोल बिजनेस मैनेजमेंट ये सारी इसमें आ जाएगी नेक्स्ट हमने किया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो वही सेम है कि हमने क्या करना है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है राइट right? वो भी बेस्ट वे में नेक्स्ट है फेसिज इन ऑपरेशन रिसर्च ये भी हमने बता दी जजमेंट फेस में पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है ठीक है फिर हम रिसर्च फेस में क्या करेंगे उसके रिसर्च करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है कॉजेज़ क्या है प्रॉब्लम के क्या क्या इसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं ठीक है एक्शन फेस में क्या करेंगे फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालेंगे ठीक है तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क ऑल राइट सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक सो थैंक यू